नागपुर के यशोधरा पुलिस स्टेशन अंतर्गत सगे भाई ने ही सगे भाई की हत्या कर दी है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार यशोधरा पुलिस स्टेशन हद में आने वाले माजरी के फातिमा मस्जिद के पास मृतक 48 वर्षीय मोहम्मद आरिफ अब्दुल हक अंसारी और मृतक का छोटा भाई आरोपी 31 वर्षीय अबू दाऊद मोहम्मद अंसारी से जमीन को लेकर कुछ दिनों से विवाद चल रहा था। घटना वाले दिन भी मृतक बड़े भाई का आरोपी छोटे भाई से जमीन को लेकर विवाद हो गया, जिसमें गुस्साए छोटे भाई ने अपने ही बड़े भाई पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें उसकी मौके पर मौत हो गई। विवाद में बीच बचाव करने आए दो भतीजों पर भी आरोपी ने हमला कर दिया। गनीमत रही कि दोनों को हमले में मामूली चोटें लगी। इसकी सूचना मिलते ही यशोधरा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार किया है और आगे की जांच जारी कर दी। दोपहर को 3 बजे के समय में माजरी में फातिमा मस्जिद के पास में जो मृतक है, मृतक का नाम है मोहम्मद आरिफ अब्दुल हक अंसारी, उसकी उम्र है 48 साल, ये और उसका छोटा भाई है अबू दाऊद मोहम्मद अंसारी, इसकी उम्र है 31 साल। ये 1 साल से बाहर रहता था कर्नाटक में, बिदर में, वहाँ से नागपुर आया कल, और उनके जमीन का ये चल रहा था, बात चल रहा था, उसमें से उसने अपने बड़े भाई को चाकू से मार दिया है, और बीच में जो दो उसके भतीजे गए थे बचाने के लिए उसको भी चाकू से मार दिया है। आरोपी को अरेस्ट किया गया है, अभी आरोपी लॉकअप में। किसी मृतक और आरोपी के ऊपर कोई भी क्राइम रिकॉर्ड दर्ज नहीं है। ये सगे भाई है, उसने एक प्लाट लिया था 20 साल पहले, वो प्लाट पे जो आरोपी है उसकी जगह पर भी जो मृतक है वो घर बनाना चाहता था, घर बन चालू भी कर दिया था, इससे लेकर उसमें बात था। लेकिन एक बार फ़ोन पे उनकी बातचीत हो रही थी, वो तो यहाँ पर नहीं था नागपुर में, वो बिदर कर्नाटक में था, और कल आया और उसने उसके जगह पे बांध काम दिखा चालू, स्लैब भी डल रहा था, तो इसलिए उसको गुस्सा आ गया और उसने अपने बड़े भाई को चाकू से मार दिया।